ये प्रातः क्लास चल रहा था 28 अप्रैल 1964। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी ये बात तो इम्पॉसिबल है कि कोई निर्विकारी रह सके। अभी कभी की बात है ये इम्पॉसिबल है कि कोई अभी निर्विकारी रह सके। कब की बात है? हैं? 64 की बात है। अच्छा, अभी निर्विकारी रह सकता है? हैं? आंखों से, कानों से, वाचा से, कर्म इंद्रियों से अभी कोई विकारी निर्विकारी रह सकता है? 64 में भी नहीं रह सकता था और अभी भी नहीं रह सकता। क्यों? क्यों नहीं रह सकता है? नहीं, वो तो ठीक है, अंधकार में तो सारी दुनिया है ही है। अंधकार से बाहर तो जो प्रैक्टिकल में सूरज का पार्ट बजाने वाला है वो भी अंधकार से बाहर नहीं है। अंधकार से बाहर हो जाएगा तो माला का पहला मणका प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। अभी प्रत्यक्ष हुआ है, हैं? तो पहले तो माला के 8 मणके प्रत्यक्ष होने चाहिए। तब कहा जाए यथा राजा रानी तथा प्रजा। नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी तो माला के मणके भी नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे निर्विकारी। तब कहेंगे पॉसिबल है। कोई न कोई आत्माओं के लिए अभी तो कह नहीं सकते। अरे भाई, सतयुग में तुम्हारे देवी देवताएं निर्विकारी थे ना? तब थे, अब क्यों नहीं है? क्योंकि तब सतोप्रधान युग था, राजा रानी ही सतोप्रधान थे, यथा राजा तथा प्रजा। तुम खुद देवताओं के आगे जाकर ये कहते हो आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी नीच और विकारी। तो ऐसे जरूर थे ना, तो उनको कोई बनाने वाला होगा ना जो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी नहीं है। सतयुग में थे 16 कला संपूर्ण, राजा और रानी प्रजा भी 16 कला संपूर्ण और निर्विकारी थी, तो किसने बनाया? कलयुग के अंत में संपूर्ण विकारी और सतयुग के आदि में संपूर्ण निर्विकारी।
अपने आप बन गए क्या? गीता ज्ञान क्या कहता है? नर और नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला कोई हुआ ना कि अपने आप बन जाते हैं? जरूर समय को परिवर्तित करने वाला कोई हुआ, व्यक्तियों को परिवर्तित करने वाला कोई हुआ, सारे भारत को परिवर्तन करने वाला, विश्व को परिवर्तन करने वाला कोई हुआ। और वो था भी सतयुग में, जब सत्य का युग था, जहां असत्य का नाम निशान नहीं था। ऐसी नई दुनिया बनी थी। सतयुग की स्थापना करने वाला भी बाप ही है ना। बाप ही आकर के संगम युग पर सतयुग की स्थापना करते हैं, क्योंकि वो बाप इस पांच तत्वों की दुनिया से सदैव परे रहने वाला है। पांच तत्वों की दुनिया तमो प्रधान बनती है, सतो प्रधान बनती है, उसमें रहने वाले भी सब सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, परंतु वो बाप जो इस पांच तत्वों की दुनिया से न्यारा है, तुरिया पार्ट बजाने वाला है, वो इस तामसी सृष्टि में आने के बावजूद भी कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो सब पहले योगी और बाद में भोगी बनते हैं। वो दोनों से परे है, उसको योग लगाने की दरकार है। वो योग की प्रैक्टिस करता है क्या? करता है या कराता है? सुप्रीम सोल वो योग सिखाने वाला है, और योग सिखा करके राजा रानी बनाने वाला है। जो राजा रानी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, हिस्ट्री में कभी कोई ने बनाया नहीं। एक गीता में ही गायन है कि नर अर्जुन को नारायण बनाया, जिस नारायण की विश्व में सदैव विजय निधि हुई है। उस नारायण ने युद्ध में कभी भी किसी से हार नहीं खाई। ऐसी राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला है। जो पढ़ाई आज के बड़े से बड़े इंजीनियर्स, बड़े से बड़े डॉक्टर्स, बड़े से बड़े साइंटिस्ट वो पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, जो मन को और बुद्धि को एकाग्र कर देती है। तन बल बढ़ाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे,
बड़े बड़े पहलवान उस्ताद हुए हैं, धन बल बढ़ा लेंगे, बड़े से बड़े साहूकार बन जावेंगे। दुनिया के बड़े बड़े साहूकारों के नंबर वार अखबारों में नाम तो निकलते रहते हैं ना, तो वो साहूकार भी बन जाते हैं। लेकिन क्या भगवान उन्हें साहूकार बनाता है? गॉडली पढ़ाई से साहूकार बनते हैं? और क्या सतगी दुनिया के साहूकार बनते हैं? नहीं, सतयुग के मुकाबले जो झूठ युग की ये दुनिया है उस दुनिया के साहूकार बनते हैं। करोड़ों गरीबों की खून चूस के साहूकार बनते हैं। नहीं तो आज की दुनिया में सच्चाई की कमाई कमा करके कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। तो भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आता है तो जन्म जन्मांतर के लिए बड़े से बड़ा साहूकार बनाता है। वो धन नहीं देता है, क्या देता है? ज्ञान धन देता है। और बताता है कि ये ज्ञान धन ही तुम्हारा सच्चा रतन बन जावेगा। ऐसे सच्चे रतन बनेंगे जो तुम जन्म जन्मांतर के साहूकार बन जावेंगे। ऐसे साहूकार बनते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, वो पढ़ाई मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये जितनी भी पढ़ाइयां हैं वो सब विदेशियों के द्वारा चलाई हुई पढ़ाइयां हैं। ये विदेशियों की द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाइयां नौकर बनाती हैं। कोई न कोई के अधीन बनाती है। चलो सेना का मार्शल बन जाओ, मिलिट्री मार्शल, जो सेना है वो तो बहुत ऊंचा डिपार्टमेंट है, अनुशासित डिपार्टमेंट है, लेकिन उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो भी किसी के अधीन रहता है या नहीं रहता है? आज की दुनिया में वो भी अधीन है। बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे हौदों पर कोई आसीन क्यों न हुआ हो, सब अधीन है। अपने से ऊंचे जो बास होते हैं उनकी चिरौरी करते रहते हैं, मक्खनबाजी करते रहते हैं, उनके सामने उन्हें घड़ी घड़ी आंख नीची करनी पड़ती है। वो पढ़ाई भगवान ने पढ़ाई, भगवान अधीन बनने की पढ़ाई पढ़ाता है? पढ़ाता है नहीं, भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिसमें सिखाया जाता है क्या स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो, ना अधीन बनो और ना कोई को अधीन बनाओ। जो अधीन बनाने वाली पढ़ाइयां हैं उनको नाम दिया है बाबा ने,
क्या नाम दिया है? डॉगली पढ़ाई। क्यों है डॉगली पढ़ाई नाम क्यों दिया है? कुत्ते कुतियां बनते हैं। और गॉडली पढ़ाई में हैं गॉड एंड गॉडेसेस बनते हैं, जो सतयुग में देवताएं होंगे, जो देवियां होंगी वो कैसी होंगी? व्यभिचारी होंगी हैं? ढेरों के सामने झुकने वाली होंगी? होंगी नहीं, वहां के लिए तो गायन है, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। तो देखो भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, और आज जो पढ़ाइयां पढ़ाई जा रही हैं, उनमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो बताओ ऐसी गॉडली पढ़ाई पढ़ाने वाला दुनिया में कोई तो होगा ना, कभी तो हुआ होगा। बाप ही आकर संगम युग में सत्य की स्थापना करते हैं, झूठ युग की स्थापना करते हैं क्या है? झूठों की स्थापना करते हैं नहीं? तो देखो जहां झूठ होता है वहां कलह क्लेश जरूर होता है, उसे कहते हैं झूठ खंड, और इसे कहते हैं सच खंड। तो कलह युग और सत्ययुग के बीच में बाप आते हैं, कलह युग को बदल करके, कलह क्लेश की दुनिया को बदल करके क्या बनाते हैं? हैं? शिवालय बनाते हैं, वैश्यालय को बदल करके क्या बनाते हैं? हैं? शिवालय किसे कहा जाता है, उसकी यादगार क्या है? हैं? कोई यादगार है? अरे जितने भी शिव के पुराने पुराने मंदिर हैं वो यादगार हैं। जैसे कंपिल में रामेश्वरनाथ मंदिर बना हुआ है, बीच में शिवलिंग है और चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, वो ही देवी देवताएं जो द्वापर कलयुग में आकर के, उनमें से कोई तो ऐसे हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई फिर थोड़ी तादाद में ऐसे भी हैं जो कभी कन्वर्ट नहीं होते, जीवन रहते। और वो सभी देवी देवताएं शिव के मंदिर में देखने में आते हैं। आजू बाजू में उन देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, हनुमान की मूर्ति भी रखी हुई है, गणेश की मूर्ति भी रखी हुई है, शंकर की भी मूर्ति रखी हुई है, दुर्गा की भी मूर्ति रखी हुई है। अब ये गणेश, ये हनुमान, इनके पहले 16 कला संपूर्ण दिखाया जाता है, इनको कहते हैं 16 कला संपूर्ण है? इनको चेहरा कैसा दिखा दिया है? क्यों? चित्र से क्या साबित होता है? अरे चित्र से चरित्र साबित होता है, इसलिए जो द्वापर युग और कलयुग, वो द्वापर युग के आदि में जो मूर्तिकार थे उन्होंने वो भाव भंगिमा भर दी उन मूर्तियों में,
ये जानवर जैसे काम करने वाले थे, फिर भी इन्होंने कुछ न कुछ पवित्रता का पालन किया, इसलिए इनकी पूजा होती है। चंडिका देवी की भी पूजा होती है। कहां महागौरी, एकदम गोरा पाठ बजाने वाली, एकदम अभिविचारिणी, और कहां एकदम काले मुंह वाली, कहते हैं ना काला मुंह कर गई। अच्छा हुआ घर से निकल गई, तो काला मुंह करने का क्या मतलब हुआ, गोरा काम किया या काला काम किया? ऐसों के नाम भी रख दिए हैं चंडिका, माना कौन से कुल में उत्पन्न होने वाली है, चंडाल के कुल में उत्पन्न होने वाली, चंडाल जैसे काम करने वाली, अर्पण करना भगवान को और फिर वापस ले लेने वाला, क्या बनता है, चंडाल बनता है। तो देखो, तुमको ऐसी श्रेष्ठ सूर्यवंशी बनाने की शिक्षा देने वाला बाप शिक्षा दे रहे। 28/4/64 की वाणी का तीसरा पेज। वो बाप क्या कहते हैं, तुमको आसुरी संप्रदाय मनुष्य को दैवी संप्रदाय बनाता हूं, तुम अभी बाप के बच्चे बने हो। कैसे कहे बाप के बच्चे बने हो हैं? अरे कोई प्रूफ है? प्रूफ कुछ नहीं है, ऐसे ही बाप के बच्चे बन गए हैं। पहली बात, बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है या हवा की बात है? प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बच्चा होता है तो कहीं से शरीर छोड़ करके आया हुआ है ना। बच्चा बना है तो कोई बाप के घर में जन्म लेता है ना कि नहीं लेता है? जन्म लेता है तब बाप का बच्चा कहा जाता है। वो है हद का जन्म, और यहां ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में बेहद का जन्म है। क्या है? वहां 9 महीने ऐसे माहौल में रहना पड़ता है जहां अंदर ही खाना दिया जाता है, अंदर ही पानी मिलता रहता है, अंदर ही अंदर वाइब्रेशन मिलते रहते हैं, अंदर ही रहना पड़ता है, बाहरी दुनिया का कोई माहौल नहीं देखने को मिलता। बच्चा गर्भ में जाता है तो ऐसे होता है ना, परंतु वो हद की दुनिया की बात है 9 महीने की, और यहां तो ये ड्रामा ही संगम युग में जहां शूटिंग होती है छोटा ड्रामा होता है, वो ब्रॉड ड्रामा है 5000 साल का, और यहां शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में, रिकॉर्डिंग पीरियड में थोड़े समय की बात है, यहां सिर्फ 9 दिन की बात है। एक दिन आना, एक दिन जाना, और 7 दिन भट्टी में पड़ के रहना बाप के घर में। तो बोला, अभी तुम बाप के बच्चे बने हो। क्या कहा? किससे कहा? तुम बाप के बच्चे बने हो, ये नहीं। कौन नहीं है? ये ब्रह्मा नहीं बाप का बच्चा बना, तुम बाप के बच्चे बने हो। तुम किसे कहा जाता है?
जो सन्मुख बैठते हैं उनको तुम कहा जाता है। सन्मुख सिर्फ हद के, बेहद के भी। हद के तो वो होते हैं जो हद की आंखों के सामने बैठे हैं, भले बैठे तो हैं लेकिन संकल्प विकल्प हैं उल्टे चलाते हैं। जो बाप का संकल्प वो बच्चे का संकल्प नहीं है। संकल्प को आत्मा का खून कहा जाता है। बाप के खून का बच्चा होगा तो बाप का खून दौड़ना चाहिए ये रगों में, हैं? नहीं दौड़ना चाहिए? दौड़ना चाहिए। बाप का बच्चा है असल का, ऐसा होता है ना? क्या होता है, हैं? वो बाप के बच्चे होते हैं, वो बाप को फॉलो करते हैं, मन वचन कर्म से फॉलो करते हैं। और जो बाप के बच्चे नहीं होते ऊपर ऊपर से दुनिया देखती है ये बाप के बच्चे हैं, लेकिन मां जानती है क्या ये बाप का बच्चा नहीं है। जैसे कंस का प्रूफ देते हैं, कंस मथुरा के राजा का बच्चा था, हाँ? कहते तो हैं था, लेकिन वास्तविकता क्या थी, हैं? क्या वास्तविकता थे, वास्तविक बात क्या थी, हैं? कंस की माता तो जानती थी, क्या जानती थी, हैं? कि मुझे बचपन में ही किसी राक्षस ने छेड़ दिया था, मेरे अंदर उस राक्षस के खून का पहला पहला प्रभाव पड़ गया। जैसे कन्या के जीवन में अगर कोई पहला पहला छाप डालता है तो वो जीवन भर याद रहता है, और कन्या की शादी कहीं दूसरी जगह हो जाए और जहां शादी हुई है वहां जाकर के बच्चा पैदा हो जाए तो वो गर्भकाल में किसको याद करेगी, हैं? पति जिसके साथ शादी हुई उसको याद करेगी या जिसका बच्चा पेट में पड़ा हुआ है उसकी याद आएगी, हैं? उसी की याद आएगी। जिसकी याद आएगी वो संकल्पों का खून उस आत्मा के अंदर भी जा रहा है गर्भ में। तो ऐसे ही कंस का मिसाल दिया गया शास्त्र में। उग्रसेन को नहीं मालूम था क्या कि असलियत क्या है, लेकिन माता तो जानती थी। कंस के अंदर उसी राक्षस का खून दौड़ रहा था और बाप के अंदर मोह पैदा हो गया। क्या मोह? कि ये मेरा बच्चा है। तो ऐसे ही है, इशारा दिया तुम अभी बाप के बच्चे हो। तुम माने हैं जो भी सामने बैठे हैं सब, हैं? हाँ, जो मन बुद्धि से बाप के मनमनाभव हैं। क्या मतलब मनमनाभव? माने जो बाप का संकल्प है वही बच्चे का संकल्प, जो बाप चाहता है वही बच्चा भी चाहता हो। अगर ऐसे संकल्प हैं तो तुम किसके बच्चे हो? बाप के बच्चे हो। जिस बाप को बाबा बाबा कहा जाता है, ये भी क्लियर कर दिया क्या? तो तुम समझ लो कि निराकार बाप ज्योतिबिंदु के बच्चे हैं? नहीं, बाबा किसे कहा जाता है?
साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। ये बाबा जिसे बोला गया तो साकार भी है उसमें निराकार भी है, निराकार है तो उसका साकार घर भी होगा ना, है घर जरूर होगा, तब तो बाबा बाबा कहते हो, कहते हो हे परमपिता, माना परम माने है बड़े से बड़ा जिसका कोई पिता नहीं। मनुष्यों का पिता कौन है, है? अरे मनुष्यों का पिता प्रजापिता, अंग्रेज लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान उसे आदम, आदमियों में पहला आदम, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, उसको परमपिता कहें हैं? बड़े से बड़ा पिता कहें, कहें क्यों हैं? हाँ उसका भी कोई पिता है, उसका पिता कौन है, जिसे हम शंकर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आदिदेव, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, उसका भी कोई पिता है जिसके लिए मुरली में बोला गया है तुम बाबा कहेंगे तो तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी कि कोई और साकार बाप याद आएगा, हैं? बिंदी ही याद आवेगी। और आत्माओं के लिए ऐसा नहीं है, तो फिर बड़े से बड़ा पिता कौन हुआ जिसका कोई पिता नहीं हो, शिव हुआ। शंकर के लिए भी नहीं कहेंगे वो बड़े से बड़ा परम पिता है, सुप्रीम सोल है, गाते भी हैं ओ गॉडफादर। अब ये बात बुद्धि में तो बैठती है ना कि निराकारी है, क्या मतलब निराकारी है का क्या मतलब, बिंदु है, बिंदु है ऐसे नहीं, देह की स्मृति को, देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को याद करने वाला नहीं है, जिसे में बुद्धि फंसती है उन्हें याद करने वाला नहीं है। तो ऐसी स्टेज शिव को बनानी पड़ती है या आदम को बनानी पड़ती है, आदम को बनानी पड़ती है। और वो परमधाम में रहते हैं, कौन किसकी बात हो रही है, हैं? जिसको बाबा बाबा कहते रहते हो, ऊपर कहा माना आदम की भी ऐसी स्टेज बनती है, कैसी, जैसी सुप्रीम सोल बाप की स्टेज है, सदाकाल निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, निराकारी भी निरहंकारी भी और निर्विकारी भी। गॉड फादर कहते हैं तो समझते हैं ना, उनको पुकारते हैं बुलाते हैं हे बाबा, क्यों हे बाबा कह के पुकारते हैं, हैं? हे बाबा कह के क्यों पुकारते हैं, हे बाबा, हो बाबा, किसको पुकारते हैं, निराकार को, किसको पुकारेंगे, अरे कोई सामने होगा तो उसे पुकारेंगे,
और पुकारते भी तब हैं जब बहुत दुख में हैं। इसका मतलब गहरी पुकार कब करेंगे, द्वापर में करेंगे या कलयुग के अंत में करेंगे? कलयुग के अंत में ही बहुत दुख होता है, तो जरूर कलयुग के अंत में आते होंगे। अनेक प्रकार के दुख होते हैं। हे बाबा कहते हैं, कहते तो हैं भक्ति मार्ग में, परंतु बिल्कुल ही नहीं जानते। तो जैसे जानवर हो गए, क्या कौन हो गया जानवर हैं? भक्ति मार्ग वाले। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नहीं है, हैं? कौन? बीके वाले कैसे हैं? वो बाबा बाबा कह के पुकारते हैं तो ब्रह्मा बाबा का चेहरा उनके सामने नहीं आता है, हैं? आता है तो ये क्यों कह दिया जानवर हैं? हाँ, जिसे वो बाबा कहते हैं वास्तव में वो माँ है, दाढ़ी मूछ वाली है। दाढ़ी मूछ वाली कहीं माँ होती है क्या? हैं? दाढ़ी मूछ वाली तो नहीं होती है। और फिर भक्ति मार्ग में दाढ़ी मूछ वाले की पूजा होती है या उस माँ की पूजा होती है जो निर्विकारी होती है, क्लीन शेव होती है, हैं? जगदम्बा की पूजा होती है ना, जगदम्बा का हो ब्रह्मा का हो बात तो एक ही है। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़े से बड़ी माँ, और जगदम्बा माने सारे जगत की माँ, वो भी बड़े से बड़ी माँ हो गई। बात तो एक ही है, परंतु जानवर किसको कहा हा? अरे दोनों में से जानवर किसको कहा है? कौन नहीं बाप को पहचानते हैं? ब्रह्मा बाबा नहीं जानते तो ठीक बात है। ब्रह्मा बाबा ने जीवन रहते यज्ञ के आदि से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक बाप के पार्ट को जाना है? नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कारण क्या है? हाँ, कि जिसमें बाप आया हुआ था, सुप्रीम सोल बाप, जिसने ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लियर अर्थ बताया और ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा भी, परंतु ब्रह्मा की बुद्धि में ये नहीं बैठा कि इसके अंदर सुप्रीम सोल बाप ने आकर के हमको बताया। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि जिसके अंदर बाप आया वो ब्रह्मा बाबा का नौकर था, बड़े से बड़ा कंपनी में या दुकान में जो बड़े से बड़ा नौकर होता है उसको क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को क्या अहंकार आ गया जो नहीं पहचाना है? मुरलीम बोला है 10 साल से रहने वाला, क्या बाबा की दुकान में 10 साल से नौकर था, तो बाबा को अहंकार आता आया कि ये तो हमारा नौकर है, उसको गुरु कैसे मान सकते, बाप कैसे मान सकते? तो आदि में भी नहीं पहचाना और मृत्यु के बाद अभी क्या है? सूक्ष्म शरीरधारी है ना, तो सूक्ष्म शरीरधारी ज्यादा तीव्र बुद्धि होते हैं या स्थूल शरीरधारी ज्यादा तीव्र बुद्धि होते हैं? हैं? सूक्ष्म शरीर के बालों की बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है, चाहे कैसी भी कोटि का सूक्ष्म शरीरधारी क्यों न हो,
सड़कों पर मजमा लगाए हुए देखा होगा, कोई बच्चे को सुला देते हैं, उसमें भूत प्रवेश करा देते हैं, और किसी जेब में किसी आदमी को पूछते हैं तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, बताओ कितने पैसे हैं, कितने नोट हैं, कितने कितने के हैं, वो सब बताता है। अगर भूल भी जाता है तो उसकी जेब में से निकलवाते हैं, बताओ, और वो जो उसने बताया होगा, किसने किसको सुला दिया, उतने ही निकलते हैं। तो ये बुद्धि सूक्ष्म हुई ना, लेकिन उन सूक्ष्म बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ सूक्ष्म बुद्धि कौन से धर्म वालों की हो सकती है? है जो विधर्मी है उनकी सूक्ष्म बुद्धि होती है, विदेशी हैं उनकी सूक्ष्म बुद्धि होती है, या कलयुग के अंत में स्वदेशियों की सूक्ष्म बुद्धि होती है? हैं? विदेशियों की सूक्ष्म बुद्धि होती है। तो सूक्ष्म बुद्धि बहुत, लेकिन जानवरियत की बुद्धि है या मानवीय बुद्धि है? हैं? क्यों? जानवरों में देहभान ज्यादा होता है या मनुष्यों में देहभान ज्यादा होता है? हैं? जानवरों में, मनुष्यों में ज्यादा होता है। अच्छा, जो सतयुग के देवताएं थे वो मनुष्य नहीं थे? अरे सुधरे हुए मनुष्य थे या नहीं थे? हैं? हाँ, तो क्या वो उनको क्या कहें? विदेशी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो 16 कला संपूर्ण थे, सतयुग के आदि में थे, सतयुग होता ही है भारत में, विदेशों में तो होता नहीं। तो जानवर बुद्धि उन्हें कहेंगे जिनमें देहभान आ जाता है, और इतना देहभान आता है कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसे ही वो जानवर बुद्धि अभी ब्रह्मा की भी है या नहीं है? हा? है। क्यों? जो मन में आया सो ही बोलते रहते ब्रह्मा बाबा को, है? बोलो। हाँ, एक तो बाप को नहीं पहचानते, अभी भी जैसे बैल अड़ जाता है, बैल होता है ना, अड़ियल बैल, अड़ गया तो अड़ गया, ऐसे ही ब्रह्मा की बुद्धि भी अड़ी हुई है। किस बात पर? कि गीता का भगवान मेरे सिवाय और दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं हो सकती, गीता का साकार भगवान। तो क्या साबित हुआ? हैं? जो कहते तो हैं, कहलवाते हैं बाबा बाबा बाबा, गुलजार दादी में आते हैं तो बेसिक वाले क्या कहते हैं उनको? बाबा कहते हैं। दीदी तो नहीं कहते? दीदी, गुलजार दीदी नहीं कहते, बाबा कहते हैं। तो वो हाँ कहते हैं, नहीं, जब बुलाते हैं बाबा तो गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा उनका रिस्पांस देते हैं ना, हाँ बच्चे देते हैं ना। तो देखो वो जानते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं जानते कि शिव बाबा है कौन। तो जानवर हुआ ना। मुरली ने क्या बोला? नहीं जानते हैं तो क्या हुआ? जानवर हुआ ना। जानवर भी अपने बाप को जानते हैं ना, ये तो जानवरों से भी बदतर हो गए। कुत्ते बिल्ले फलाने स्वयं माँ बाप को तो जानते हैं ना। अच्छा, ये भी तो माँ बाप को जानते हैं। अभी मनुष्य में और जानवरों में फर्क क्या रहा? मनुष्य ही तो कहते हैं वो गॉड फादर,
जानवर तो नहीं कहते। ओ मदर, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो मात पिता कहना, कहना तो मात पिता, लेकिन जानना, जानना कुछ भी नहीं। तो जैसे जानवर नहीं जानते हैं, वैसे ये मनुष्य भी नहीं जानते। तो देखो, इस समय भी पूरे जानवर हैं। किस समय है? किस समय की बात बताई है? किस समय? 64 की बात बताई। इस समय भी पूरे जानवर हैं। अच्छा, 68-69 में 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, उस समय नहीं रहे है? रहे या ना रहे? रहे। और अभी है? अभी भी पूरे जानवर हैं। तो यादगार क्या है? अभी संगम युग की कोई यादगार है मंदिरों में? है, अभी भी मंदिरों में बैल रखा हुआ है, है? बैल रखा हुआ है ना? आस पास देवी देवताओं की दूसरी दूसरी मूर्तियां रखी रखी है ना, अपने अपने स्थानों पर। लेकिन बैल कहाँ रखा हुआ है? हैं? कहाँ रखा हुआ? सिर्फ बाहर रखा हुआ है कि और भी कोई बात है? हाँ, जो नाली है ना, वो नाली की तरफ मुंह करके रखा हुआ है। मुख माने बुद्धि कहाँ है? अभी भी उसकी मन बुद्धि कहाँ ज्यादातर रहती है 24 घंटे में? है कि मैं पतित पावन हूं क्या? जैसे उन विधर्मियों ने आकर के तुमको पावन से पतित बनाया संग के रंग से, वैसे मैं ही पतित पावन का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला हूं। मेरे द्वारा पतित से पावन बनते हैं और सारी सृष्टि पावन बनती है। तो देखो, कहते हैं माता पिता, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा किसको कहते थे? तुम माता पिता हम बालक तेरे, गीत भी बजते थे, गीत में उसका क्लेरिफिकेशन भी देते थे। तो उनकी बुद्धि कहाँ जाती थी? बिंदी की तरफ जाती थी। अब बिंदी के लिए तो मुरली में बता दिया, बिंदी बिंदी आत्माओं का बिंदु रूप शिव बाप से क्या संबंध है? बाप और बाप और बच्चे का, बच्ची का भी नहीं, क्या संबंध है? बाप और बच्चे का संबंध है, और दूसरा कोई भी संबंध शिव ज्योति बिंदु बाप के साथ हम आत्माओं का नहीं। तो फिर सर्व संबंध कब गाए जाते हैं भक्ति मार्ग में? कि तुम आत सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सारे संबंध बाप से हैं, वो कौन सा बाप हुआ? जब साकार में प्रवेश करते हैं तो माता और पिता दोनों कहा जाता है, और सारे संबंध उसके साथ जोड़े जा सकते हैं। तो तुम समझते हो तो तुम बच्चे हो, और जो अभी भी नहीं समझते तो पूरे जानवर। ब्रह्मा कुमारियों को नहीं समझाने लग पड़ना ये बातें है, हैं? और पहचान बताई, बताया, जब लड़ते झगड़ते हैं तो किसके बच्चे हैं? आपस में घर के अंदर, या बाप का जो बेहद का परिवार है उसके अंदर लड़ते झगड़ते हैं तो किसके बच्चे हैं? रावण के बच्चे। माना माया रावण ब्राह्मण परिवार के अंदर मधुवनों में भी आता है, आता है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। देखो, अभी पाकिस्तान की हो रही है,
क्या 64 में कोई लड़ाई हुई थी? हैं? हाँ, तो ऐसा याद दिलाया, पाकिस्तान की हो रही है, तुमको शिकल दिखावे? कल की अखबार भी देखी थी, उसमें शास्त्री खड़ा है और जवान खड़ा है और वो प्रेसिडेंट खड़ा है, फलाना खड़ा है। डर के मारे कभी पता नहीं होगा कि क्या होगा। पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी ना, तुम शिकल देखेंगे तो बिल्कुल मुर्दों की शिकल है, एकदम डरा हुआ है, जैसे कि कोई सामने मौत आया, काल आया हुआ है, एकदम बिल्कुल डरते हैं। किसके डरने की बात बताई है? अरे उस समय जो प्रेसिडेंट था, जो भी प्राइम मिनिस्टर था, जो भी सेना के जवान थे, एक से एक मर्द, राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले भी, उनके लिए क्या बताया, एकदम डरे हुए। ये तो बाप आकर के इनको समझाते हैं कि बच्चे अभी तुमको क्षीर सागर में ले जाने आया हूं। खीर माने खीर, खीर में क्या होता है? सिर्फ दूध, चावल होता है और चीनी होती है, चीनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, खीर खंड कहा जाता है। अभी मनुष्यों की दुनिया में तीन बड़े से बड़े कौन हैं जो विपरीत स्वभाव संस्कार वाले हैं? है कौन है? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति है, शिव की त्रिमूर्ति है ना, कहीं कहीं चौमुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं, पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं हम तुमको क्षीर सागर में ले जाने आया हूं, अभी तुम्हारी तीनों की संकल्पों की लड़ाई चलती है। क्या जो भी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है प्रैक्टिकल में या नहीं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली मूर्तिमान कोई मूर्ति चैतन्य है या नहीं, जिसकी मूर्ति बनती है? कौन? जगदम्बा है। और विष्णु का न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली भी कोई मूर्ति है या नहीं? है, है। और शंकर की मूर्ति वो भी है। तीनों ही मूर्तियां एक ही संकल्प लेकर के चल रही हैं, नई दुनिया के बारे में, माला के बारे में, अपने अपने पार्ट के बारे में, यह संकल्प अलग अलग हैं, संकल्प अलग अलग, स्वभाव भी अलग अलग हैं, संस्कार भी अलग अलग हैं। क्या संस्कार हैं? अच्छा ब्रह्मा के संस्कार और शंकर के संस्कारों में क्या अंतर दिखाया है त्रिमूर्ति में? स्पष्ट शंकर और ब्रह्मा का अंतर दिखाया है। क्या दिखाया है? हैं? हाँ, ब्रह्मा की जो बैठक है वो लूज है, हर बात में, हर प्रैक्टिकल कर्म में लूज पार्ट बजाते हैं, और शंकर
इसकी मूर्ति देखने से ही पता चलता है स्ट्रिक्ट पार्टधारी। जो नियम कानून एक के लिए, वो नियम कानून सभी के लिए। मुरली में भी मिसाल दिया है किसका है, जब युद्ध होता है दो देशों के बीच में और सेना के हाथ में बागडोर दे दी जाती है, तो सारे देश की बागडोर किसके हाथ में आ जाती है, हैं? मिलिट्री मार्शल। और तुम्हारी रूहानी सेना का मिलिट्री मार्शल कौन बताया है? शंकर को बताया है। तो युद्ध के टाइम पर प्रधानमंत्री की बात सुनेगा, प्रेसिडेंट की बात सुनेगा, हैं? सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज कोई सलाह दे तो उसकी बात मानेगा? किसी की भी नहीं मानता। बहुत स्ट्रिक्ट होकर के पार्ट बजाता। तो बताया ये तीनों संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं नई दुनिया में, सतयुग में। और कहां होते हैं? जब कृष्ण का जन्म होगा प्रैक्टिकल बच्चे के रूप में, तब की बात है या उससे भी पहले की बात है? यही राजधानी स्थापन होती है संगम युग में। तो तुम जानते हो कि अभी सब डरे हुए हैं। क्या कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, आज कुर्सी पे बैठे क्या पता कल उतार दिए जाए। तो बाप बताते हैं, अभी तुमको क्षीर सागर में ले जाने आया हूं, जहां तुम तीनों ही बच्चे जो त्रिमूर्ति कहे जाते हैं आत्माओं के बीच में, वो क्षीर खंड होकर के रहेंगे। क्या आपस में झगड़ेंगे नहीं? क्षीर सागर में किसको दिखलाते हैं? विष्णु को दिखलाते हैं। क्या अंतर है विष्णु की दुनिया में और रावण की दुनिया में? क्या अंतर है? अरे हैं, विष्णु चार भुजाओं वाला है और रावण 20 भुजाओं वाला है, लेकिन अंतर क्या है? रावण की भुजाएं एक सिर के कंट्रोल में हैं, हैं? कंट्रोल में हैं? रावण का एक सिर कौन सा? मुखिया है। रावण का एक सिर जो मुखिया के रूप में पार्ट बजाता है वो कौन है? नहीं, हाँ, दसों सिर का जन्मदाता कौन है? गधा। जो ऊपर गधा दिखाते हैं वो देह अभिमान की सूचना देने वाला है। बहुत भयंकर देह अभिमान है, लेकिन कर्म क्या होते हैं? कितना भी नहला धुला करके उसको अच्छा करके रखा जाए तो भी एक सेकंड में देह अभिमान की धूल में लौट जाता है। तो रावण और विष्णु, विष्णु के हाथ सहयोगी भुजाएं एक के कंट्रोल में चलने वाली हैं और रावण की भुजाएं अनेकों के कंट्रोल में चलने वाली हैं। और सागर तो यहां और वहां भी है। कहां? नई दुनिया में भी सागर होगा और
इस दुनिया में भी सागर है, अंतर क्या है? हैं? यहाँ सागर का पानी और वहां सागर का पानी, क्या अंतर होगा? हाँ, वो क्षीर सागर, और यहाँ यहाँ सागर खारा ही खारा। देखो कहाँ क्षीर सागर, सारा सागर ही दूध 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 और मीठा दूध, और यहाँ यहाँ तो प्योर दूध के दर्शन भी नहीं होते। अभी अखबार में आया कि जितनी भी दूध बनाने वाली कंपनियां हैं वो सब सोडा मिला रही है, प्लास्टिक मिला रही है, साबुन मिला रही है, सर्फ मिला रही है, यूरिया मिला रही है। प्योर दूध है, देखने को भी नहीं मिलता। देखो जो समझते हैं हम अच्छा दूध पीने वाले हैं, उनको भी गाय का दूध मिलता है या भैंस का मिक्स दूध मिलता है? वहां दूध की कोई कमी नहीं होगी। ये हद की बात हो गई, हद का दूध हो गया, और यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में दूध कौन सा? वेद का दूध कौन सा? ज्ञान का दूध है। जो ज्ञान का दूध है वो शुद्ध गाय का दूध मिलता है, हैं? कि गंद खाने वाली गायों का दूध मिल जाता है, हैं? व्यभिचार को गंद कहा जाता है। क्या गैया कलयुग के अंत में मैला खाने लग पड़ती है या नहीं? हाँ? खाने लग पड़ती है। अब स्वर्ग में तो कोई चीज की कमी नहीं है, तो बरोबर भारत है, जो स्वर्ग था सो अभी नरक बना हुआ है। और नरक में तो दिखलाते हैं ना मिच्छू चिन्नन, विषय वैतरणी यदि, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? गरुड़ पुराण, जो गरुड़ पुराण है तुमने सुना नहीं है, आजकल तो शायद सुनाते भी नहीं है, परंतु उस गरुड़ पुराण में दिखलाते हैं कि सब एक दो को डसते रहते हैं। क्या व्यभिचारी है ना, तो क्या करते रहे? सब एक दूसरे को डसते रहते हैं। तो बताओ अभी तुम क्या पैदा करते हो? हैं? अरे डसते रहते हैं माने व्यभिचारी बनते रहते हैं, तो क्या पैदाइश होती है? हैं? बिच्छू टिंडन पैदा होती है। तो बाप कहते हैं तुम बिल्कुल बिच्छू टिंडन पैदा, नाग बलाएं पैदा नहीं करना। अभी तो करते हो, क्या मतलब हुआ? है अभी करते हो का क्या मतलब हुआ? है इसलिए बोला कि कोर्स भी देना है तो एक बैठ करके एक को कोर्स देवे, अगर अनेकों ने एक को कोर्स दिया तो ज्ञान भी कैसा हो जाता है? हैं? कैसा ज्ञान हुआ? विविचारी ज्ञान हो जाता है। एक से सुनना अच्छा या अनेकों से सुनना अच्छा? एक से सुनना चाहिए ना। तो देखो
आज के मनुष्यों की शिकल है, मनुष्यों की, परंतु चलन तो सबकी एक जैसी है। ऐसी चलन है जो एक दूसरे को मारते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, कितने गंदे डर्टी और कितना डाका मारने वाले होते हैं। क्या है डाका? डाके में क्या अंतर है? डकैत में क्या अंतर है और चोर में क्या अंतर है? हाँ, डकैत जो है डरेगा नहीं, सरेआम बाजार में डकैती डाल सकता है, मारपीट हिंसा सब कुछ करता है, और चोर चोर चोरी करता है। डकैती आजकल मिक्स भी है, चोर के चोर भी, और मौका पड़ जाए तो पिस्तौल भी और चाकू भी अंदर से निकाल लेते। कितने डकैत हैं, कितने मोस्ट डर्टीएस्ट हैं। इसको कहा जाता है अजामिलों की दुनिया। किसकी दुनिया? अजामिल क्यों कहा है? अजा माने क्या? अजा बकरी, अजा माने बकरी, जा माने पैदा होना, जन्म लेना। अजा माने न जन्म लेती तो अच्छा था, लेकिन उसने भगवान के घर में जन्म, माया बेटी बन गई। अजामिलों की दुनिया, ये अजामिलों की दुनिया है जो बकरी से जाके मिल जाते। किससे जाके मिल जाते हैं? बकरी से। कौन सी बकरी बताइए? बकरी क्या करती है? हैं? मैं स्वर्ग स्थापन करूंगी। बड़े ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, गुलजार दादी भी लुंजुम पुंजुम हो गई, लेकिन कोई पूछे स्वर्ग कौन स्थापन करेगा तो क्या कहती है? स्वर्ग, स्वर्ग मैं स्थापन करूंगी। तो त्रिमूर्ति में बकरी किसको बताया? मुरली में है कोई बकरी है कि नहीं? कौन है बकरी? है वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली अभी बकरी है, तो औलाद किसकी होगी? अरे अरे, बकरी किसकी औलाद होती है? शेर की होती है, बकरी की औलाद होती है। तो वो जो माया, जिसको माया बेटी कहा, वो पहली बकरी है। बकरियों का स्वभाव क्या होता है? हैं? एक जिस रास्ते पर जाएगी सभी भेड़ बकरियां उसी के पीछे जाएंगी। तो कुमारका दादी कौन से रास्ते पे गई? भगवान का विरोध करने के रास्ते पे गई, या भगवान को पहचान करके अवरोध करने के रास्ते पे गई? विरोध ही बन गई। तो सारी बकरियां और वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली भी क्या बन गई? अभी भी बकरी है। वो यही समझती है स्वर्ग हम स्थापन करेंगे। क्या ये विष पीने वाला शंकर है और इनकी ये औलाद है कौन? बिच्छू टिंडन, ये थोड़े ही स्वर्ग स्थापन करेंगे। अब ज्ञान हो बुद्धि में या न हो, ईश्वर की दात क्या चीज है? ईश्वर आता है तो क्या देता है? ज्ञान ही तो देता है। अगर ईश्वर की दात हमने न ली और हम अहंकार में आ गए कि ईश्वर जो है एवर प्योर है, और वो एवर प्योर ईश्वर हमको एवर प्योर बना के गया है, हमसे जैसा पवित्र कोई नहीं है। उन सन्यासियों को फिर प्योर कहेंगे हैं? जो घर गृहस्थ में रहते ही नहीं है। भगवान ने गृहस्थियों को पवित्र रहना सिखाया या सन्यासियों को सिखाया? गृहस्थियों को सिखाया।
उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है। सन्यासियों जैसा अहंकार ही भरा पड़ा है कि हम दुनिया को स्वर्ग बनाने वाले। अच्छा, ओम शांति।